नमस्कार, स्वागत सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हम रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर आधा 5,966 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कैसे सीड की कीमतों के अंदर 2% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का वायदा बाजार 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कैसे में 6200 का भी हाई लग चुका है लेकिन जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 5,900 के दायरे में है, आपको लगता है कि कैसे के अंदर निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी यहाँ से? देखिए अखिलेश, ओवरऑल ट्रेंड को पहले पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा था और डिमांड भी अच्छे खासे निकल रहे थे, लेकिन अभी सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और कैस्टर में भी गिरावट जो है इसी के चलते देखने को मिल रही है। अब यहाँ से जो कैस्टर है एक बार 6200 के ऊपर देखिए सस्टेन नहीं हो पाया तो लगातार वहां से प्रेशर बना और नीचे में एक बार मान के चलिए आप जो ये गिरावट आई है और 6000 के नीचे मार्केट लुढ़का है, ये 5800 तक एक बार नीचे जा सकता है। 5800 के बाद इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक वहां से हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 5800 तक के स्तर इसके अंदर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक भी देख रहे हैं कि आज हल्दी के अंदर कुछ लेवल सुधरते हुए नजर आए हैं, कुछ बढ़त है और जो जीरा है वो भी 14,600 नवंबर वायदा कारोबार करता नजर आ रहा है और जो धनिया है वो थोड़ा फिसला है 8,000 के लेवल से 7,900 के घरों में। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से खाड़ी देशों की तरफ से एक्सपोर्ट डिमांड निकले की सामने आई है तो क्या मसालों में तेजी बनती नजर आ पाएगी या फिर ऐसी रुझान देखने को मिलता रहेगा मसालों के अंदर? देखिए फिलहाल मसालों के अंदर तेजी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफी लुढ़के हैं और अभी देखिए थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन के चलते डोमेस्टिक मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, छुटमुट खरीदारी देखने को मिल सकती है। हल्दी की बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है कि अभी तो नवंबर वायदा एक्सपायरी के आसपास और दिसंबर वायदा की बात करूं तो मैं 7500 से लेकर 7800 फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड पिकअप हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी यहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो देखने की बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2529 पर आज भी है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि काफी समय से बिनौला खल का वायदा बाजार 2500 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2500 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है ये सीमित दायरे वाला जो कारोबार है ये कब तक जारी रह सकता है और कब बिनौला खल में तेजी देखने को मिल सकती है? अखिलेश देखिए बिनौला खल में तेजी जो है वो अभी सुस्ती के साथ जरूर बाजार कारोबार कर रहा है लेकिन गिरावट नहीं है, बाजार जो है यहाँ पर सस्टेन हो रहा है 2400 से लेकर 2500-2550 की रेंज में, तो ये बाइंग के लेवल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग इनिशिएट होनी चाहिए, 2400 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नीचे के लेवल मिले वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। कॉटन में अच्छी खासी रैली है और आगे हम तेजी की उम्मीद कर रहे हैं और प्रोडक्शन जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके चलते डिमांड पिकअप हो सकती है और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, फंडामेंटल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं तो उसके चलते उम्मीद है कि बिनौला खल में भी तेजी बन सकती है, तो मुझे लगता है कि 2400 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी रूपा जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देखने की ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 11,114 पर है 3% की ऊपरी सर्किट के साथ और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 6330 पर है लगभग 4% की ऊपरी सर्किट के साथ। रूपा जी आज आपका ग्वार का टारगेट ग्वार गम का और ग्वार सीड का अचीव होता हुआ नजर आ गया, आपने जो पिछले इंटरव्यू में बोला था कि ग्वार की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, 11,000 के पार जाएगा और ग्वार सीड 6200-6300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएगी, आज आपका वो दोनों लेवल अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या ग्वार में यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी और क्या गम 12,000 का भी लेवल दिखला पाएगा? अखिलेश देखिए बिल्कुल मुझे तो लगता है इनफैक्ट 12,000 से भी ऊपर के लेवल जो है ग्वार दिखा सकता है, ग्वार कदम जिस तरीके से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से बाइंग हमें फिजिकल में देखने को मिल रही है उसका सीधा असर वायदा के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्वार में अब जो लगातार आप देखिए जो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ चुकी है, अब यहाँ से तेजी की तरफ है और 11,000 के ऊपर भी हमने इसको कॉन्टिन्यूशन में दो बार ट्रेड करते हुए देख लिया और आज भी बाजार जो है 300
300 अंकों की तेजी के साथ यानी कि 3% तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी रैली है और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यूशन में हो सकती है और इनफैक्ट 12,000 का लेवल तो जल्द ही अचीवेबल है और 12 के बाद ऊपर निकलता है मार्केट तो 13,000-13,500 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सीट की बात करूँ तो सीट मुझे लगता है कि 6500 तक एक बार ऊपर जा सकता है जी। तो यानी कि ग्वार की जो कीमतें हैं यहाँ से अभी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। वायदा बाजार के अंदर रूपा जी के मुताबिक ग्वार का ग्वार सीड की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी एक अच्छी रैली और निकल के सामने आ सकती है। रूपा जी बात करेंगे यहाँ से अगर एडिबल ऑयल की तो देख रहे कि मसद सीड का नवंबर वायदा 8,180 पर है 1.25% की तेजी के साथ। रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1,289 पर और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5,390 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन का वायदा बाजार 5,400 से भी नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से मंडियों के अंदर सोयाबीन की आवकों में बढ़त देखने को मिल रही है और सरकार ने भी स्टॉक लिमिट लगा दी है खाद्य तेलों के ऊपर, अब आपको क्या लगता है आयात शुल्क में कमी करना, स्टॉक लिमिट लगा देना और मंडियों में आवकें बढ़ जाना, इसकी वजह से सोयाबीन का वायदा बाजार 5,000 तक भी लुढ़क सकता है? देखिए बिल्कुल अखिलेश, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि सोयाबीन नीचे में 5,000 से लेकर 4,800 की रेंज जो है मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी जो है वहां पर आ सकती है। इसके अंदर अभी जो है बाजारों में तेजी गायब हो चुकी है और खाद्य तेलों की स्पेशली बात करूँ तो अब बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और त्यारी सीजन की जो मांग की उम्मीद कर रहे थे उसके चलते जो गिरावट आनी है वो थमती हुई नजर आएगी, लेकिन बाजार बहुत ज्यादा उठते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास किए हैं ताकि कीमतों को त्यारी सीजन के चलते ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए और हम देख भी रहे उसका असर बाजारों के ऊपर आता हुआ भी दिखाई दिया है। लगातार बाजार सुस्त हो चुके हैं और एक रेंज के बीच में चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया हो या फिर सोयाबीन हो, इन सब में जो है वो सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन अब 5,300 से 5,500 की रेंज में घूमती दिखाई दे रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 4,800 तक नीचे जा सकती है। वहीं अगर मैं सरसों की बात करूँ तो सरसों थोड़ा बहुत तेजी में 8,200 से 8,300 ऊपर लेवल जो है सस्टेन कर सकता है। वहीं नीचे की बात करूँ तो 7,800 तक मुझे लगता है कि सरसों आ सकती है और वहीं रिफाइंड सोयाबीन में मुझे बिल्कुल भी तेजी दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि ये 1,260 से लेकर 1,240 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की अगर बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव है। त्योहारी सीजन के चलते सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, गिरेगा नहीं मार्केट लेकिन तेजी भी नहीं है बहुत ज्यादा और जब फेस्टिवल सीजन के खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट बढ़ सकती है और वो नीचे में जो है बाजार यहां से करंट लेवल से 400 से 500 पॉइंट लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते जी। तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल गिरता हुआ नजर आ सकता है। सोयाबीन के भी अंदर वायदा बाजार की बात कर रहे हैं यहाँ पे सोयाबीन के, तो वायदा सोयाबीन बाजार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। रूपा जी के अनुसार सोयाबीन का वायदा बाजार नीचे में 4,800 तक लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है और सरसों की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। सरसों की जो कीमतें हैं, मसद सीड की जो कीमतें हैं वायदा बाजार में ऊपर में 8,200 यानी कि 8,200 तक जाती हुई नजर आ सकते हैं क्योंकि स्टॉक कम देखने को मिल रहा है, आवकों में कमी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जो आज अच्छा मुनाफा कमा के दिला सकती है, आज अच्छा मुनाफा दिला सकती है और इस कारोबारी सप्ताह भी अच्छा मुनाफा दिलाते रहेंगी। अखिलेश देखिए अभी जो है हॉट पिक जो है वो ग्वार बना हुआ है तो ग्वार के अंदर बाइंग करें, ग्वार में ही तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इस दिवाली ग्वार जो है सोने का रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती है जिस तरीके से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ग्वार जो है 13,000 के स्तर और 6,500 सीड देखने को मिल सकता है। ग्वार के साथ साथ कॉटन पर भी नजर रखें, कॉटन के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, इसी के लिए बिनोला खल में खरीदारी करके चलने में मुनाफा आ सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार, कॉटन और बिनौला खाल ये तीन एग्री कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।